सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ थर्मल फिजिक्स। तो थर्मल फिजिक्स अपन चला रहे हैं और आगे भी इसके वीडियोस आते रहेंगे। वीडियोस ज़्यादा लंबे नहीं होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रखूंगा वीडियोस को, ठीक है। तो आज अपन थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात करने वाले हैं और लीनियर एक्सपेंशन के बारे में बात भी करेंगे, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? अगर अपन किसी मैटर को या किसी बॉडी को अगर गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, उसके जो एटम्स रहते हैं उनमें बहुत सारा एनर्जी आ जाता है, ठीक है। उस एनर्जी के कारण से उसके जो एटम्स रहते हैं वो दूर दूर जाने लगते हैं और आखिरी में रिजल्ट क्या आता है, अपना जो मैटर है या अपना जो बॉडी है वो एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आईफिल टावर के नाम सुने होंगे। आईफिल टावर क्या होता है, 17 सेंटीमीटर ना बड़ा हो जाता है समर में। किसके कारण से? इसी के कारण से, ठीक है। क्या होता है, आईफिल टावर एक्सपैंड्स 17 सेंटीमीटर ऑन समर, ठीक है। अब ये चीज होती कैसे है वो समझते हैं। सबसे पहले अपने पास जो है थर्मल एक्सपेंशन होता कैसे है, अपना मान लेते हैं मैटर है ये, ठीक है, जिसके अंदर जो एटम्स है वो ऐसे चिपके चिपके हुए हैं, सॉलिड है, मान लेते हैं ये सॉलिड बॉडी है, ठीक है, ऐसे चिपके चिपके हुए। जैसे ही मैं इसको गर्म ही दूंगा, हैं हाय गर्मी, ठीक है, हीट दिया। हीट देने के कारण से क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको हीट दूंगा, अब क्या होगा, इसके अंदर एनर्जी आएगी, ये वाइब्रेट करना चालू करेगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब वाइब्रेट करने के, तो वाइब्रेट करने के लिए स्पेस चाहिए। स्पेस कहाँ से आएगा, स्पेस तो लिमिटेड है, इसी कारण से अपनी बॉडी को एक्सपैंड करना पड़ जाता है। तो हीट देने के बाद क्या होता है, अपनी बॉडी में एक्सपेंशन के बाद एटम्स थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है, इसी कारण से बॉडी एक्सपेंड कर जाती है, ठीक है। अब एक्सपेंशन के भी कोई रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अपनी बॉडी है ऐसे और इसके बीच में होल है, ठीक है। अब ये एक्सपेंड करेगा तो होल का क्या होगा, होल भी जो है ना, जितना ये एक्सपेंड किया, जैसे ये डेढ़ गुना या दो गुना बढ़ जाता है तो होल भी डेढ़ गुना या दो गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्रोपोर्शन में जो है अपना होल भी एक्सपेंड कर जाएगा अगर पूरी बॉडी एक्सपेंड कर जा रही है तो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और क्या है, एक्सपेंशन जो है सॉलिड्स में सबसे कम होता है और लिक्विड और क्या बोलते हैं गैसेस में ज़्यादा होता है, ठीक है। गैसेस में तो सबसे ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स रहते हैं, एटम्स रहते हैं, वो वैसे ही दूर दूर रहते हैं एकदम, ठीक है, और जब उनको और हीट दिया जाता है तो वो और दूर हो जाते हैं। तो क्या होता है, सॉलिड्स में एक्सपेंशन वेरी लेस, सॉलिड्स में एक्सपेंशन क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। वाइल गैसेस में जो है ना, जो एक्सपेंशन है वो बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, हाई। और सॉलिड्स में जो है अगर लेंथ वाइज ऐसे एक्सपेंशन हुआ तो वो भी रहता है, एरिया वाइज एक्सपेंशन हुआ, जैसे मैं एक शीट लिया, ठीक है, उसको हीट दिया तो उसका एरिया वाइज एक्सपेंशन होगा, और वॉल्यूम वाइज एक्सपेंशन भी होता है। मान लेते हैं क्यूबॉइड या क्यूब टाइप की चीज़ लिया, उसको हीट दिया तो वो हर तरफ से वॉल्यूमेट्रिकली बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन गैसेस और लिक्विड में सिर्फ क्या बोलते हैं, वॉल्यूम वाला एक्सपेंशन रहता है, लीनियर या सुपरफिशियल या फिर एरियल एक्सपेंशन नहीं रहता। तो अपने को एक चीज़ और पता चलती है, क्या, सॉलिड्स में तीन टाइप के एक्सपेंशन होते हैं, ठीक है। पहला क्या, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। दूसरा क्या, एरियल एक्सपेंशन, और तीसरा क्या, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है। इन तीनों को अपन समझेंगे इस वीडियो में, तो सिर्फ अपन लीनियर को ही समझेंगे, लेकिन अगले वीडियोस में अपन ये एरियल और वॉल्यूमेट्रिक को भी समझेंगे। इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सॉलिड्स में ये होता है, गैसेस में जो है ना सिर्फ वॉल्यूम होता है, वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, अब आगे एक्सपेंशन के बारे में, ठीक है। तो लीनियर एक्सपेंशन बेसिकली क्या होता है कि अपना जो अगर मान लेते हैं कोई सॉलिड है, ठीक है, ऐसे करके, अब मैं क्या किया, इसको हीट दिया, यहाँ से हाई गर्मी है, ठीक है, तो यहाँ से क्या किया, हीट दिया। हीट देने के बाद अगर इसका इनिशियल लेंथ जो है वो है L0, और
इसके बाद अपना लेंथ इसका बढ़ जाता है, सिर्फ लेंथ बढ़ता है, ना वॉल्यूम ना एरिया का ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ लेंथ जो है इसका इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसका लेंथ कितना इंक्रीज़ हुआ, पहले था एल नॉट, एल नॉट से ये और डेल्टा एल टाइम्स बढ़ गया मान लेते हैं ये, ठीक है। तो क्या हुआ ये चीज़, ये चीज़ हुआ लीनियर एक्सपेंशन, सिर्फ लेंथ बढ़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सपेंशन। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको अपन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो रिलेशन है वो है ये कि डेल्टा एल जो है वो एल नॉट पे डायरेक्टली वेरी करेगा, मतलब जितना ज़्यादा ये एल नॉट होगा, मतलब जितना लंबा ये पहले इनिशियली होगा, हीट देने के बाद इसके जो लेंथ में चेंज आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना लंबा ये इनिशियली होगा उसको जितना ज़्यादा हीट दोगे और बढ़ेगा वो, ठीक है। और दूसरा चीज़ है ये जो डेल्टा एल है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूँ तो डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट इंटू टी हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। और डेल्टा एल इज इक्वल्स टू, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो क्या मेरे को एक कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा, हाँ, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा अल्फ़ा, अल्फ़ा जो है यहाँ पे एक कांस्टेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, एक तो फॉर्मूला आ गया डेल्टा एल के लिए या फिर चेंज इन लेंथ के लिए, बिल्कुल आ गया क्या, हाँ आ गया। अगर अब मेरा टोटल लेंथ कितना होगा, टोटल लेंथ यहाँ पे, तो टोटल लेंथ की बात करूँगा, टोटल लेंथ वो होगा एल नॉट प्लस डेल्टा एल, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो एल नॉट की जगह तो एल नॉट ही रहेगा, लेकिन डेल्टा एल की जगह अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी हो जाएगा क्या, तो अल्फ़ा एल नॉट टी या डेल्टा टी बोल सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, हाँ, तो डेल्टा टी बोलना ज़्यादा सही रहेगा, चेंज इन टेम्परेचर होता है ना, यहाँ भी डेल्टा टी ही बोल लो, डेल्टा टी, ठीक है, ठीक है। तो अगर एल नॉट को कॉमन निकाल लूँगा तो टोटल लेंथ जो है, टोटल लेंथ जो है वो एल नॉट कॉमन निकाला तो वन प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ से मेरे पास एक और फॉर्मूला निकल के आ गया टोटल लेंथ का, बिल्कुल आ गया, ठीक है। अब अगर मेरे को अल्फ़ा निकालना है, यहाँ से एल नॉट को इधर भेजा तो एल माइनस एल नॉट जो है वो डेल्टा एल हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू अल्फ़ा डेल्टा टी होता है क्या, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है, इंटू एल नॉट भी है, ठीक है, तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, ये जो कांस्टेंट की तरह एक्ट करता है इसको कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं अल्फ़ा को, अल्फ़ा इज़ कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी होगी तो अब यहाँ से कैसे निकलेगा, एल नॉट को सिर्फ इधर भेजूंगा क्योंकि ये एल नॉट प्लस अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी, एल नॉट को इधर भेजूंगा तो टोटल लेंथ माइनस एल नॉट जो है मेरा डेल्टा एल आ जाएगा, ठीक है, क्या ये वैल्यू आ जाएगी, हाँ, ये बाकी सबको नीचे भेज दो तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। तो अपने पास अल्फ़ा की एक वैल्यू आ गई है, मतलब अल्फ़ा निकालने के लिए एक फार्मूला आ गया। तो तीन फार्मूले बेसिकली इसमें रहते हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। तीनों फार्मूला से रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ये वीडियो रैप अप करेंगे। अब बात करते हैं यार क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक आयरन बार है जिसका जो लेंथ है इनिशियली वो है 10 मीटर का, इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, इफ़ द कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इतना, द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ बार इज कितना, इन कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको, मुझको और बच्चे को पता है यहाँ पे कि चेंज इन लेंथ का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल नॉट इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी होता है, बिल्कुल होता है। अब ये चेंज इन लेंथ निकालना है, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल नॉट कितना दिया हुआ है 10 मीटर, तो ये 10 लिख दूंगा, इंटू अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, बिल्कुल, और डेल्टा टी कितना दिया हुआ है 100, ठीक है। इन तीनों को सॉल्व करते हैं तो डेल्टा एल कितना आ जाएगा, डेल्टा एल आ जाएगा 100,000 टू 10 टू द पावर माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया डेल्टा एल। एक सेकेंड, मैंने ठीक लिखा है क्या, मीटर में, हाँ ठीक है, डेल्टा एल आ जाएगा 1 बाय
टेन टू मतलब 10^-3, तो टोटल लेंथ आ जाएगा कितना, एल प्लस डेल्टा एल, मतलब एल नॉट प्लस डेल्टा एल, तो ये आ जाएगा 10^(10^3). ये जो है टोटल लेंथ हो जाएगा, मतलब छोटा सा ही एकदम इंक्रीज हुआ है उसका लेंथ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।